नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और आपके दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। उपस्थित हो गया हो एक नया वीडियो लेकर के, जो कि सूरजपुर जिला में स्थित एक बहुत ही सुंदर एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थल जो कि बिल द्वार के नाम से जाना जाता है, जहाँ बहुत ही सुंदर गुफा है। चलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वहाँ के बारे में कम्प्लीट जानकारी और कैसा क्या है वहाँ के सीन के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। अब हम महान नदी के करीब पहुंच गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं यह छत्तीसगढ़ का पवित्र नदी महान नदी का पुल है जो कि नया नया बनाया गया है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इसके बाद मिलेगा हम लोग को भील द्वार जाने का रास्ता। महान नदी को क्रॉस करने के बाद दोस्तों सामने दिख रहा है यह मन भावन होटल है। इसके जस्ट आगे साइड आपको लेफ्ट साइड एक रोड दिख रहा है, उसमें निकलेंगे या मेन रोड को छोड़ करके लेफ्ट साइड ले लेंगे। इस टाइप से इस रोड पे सीधा जाएंगे तो आपको बिल द्वार का गुफा मिल जाएगा। मेन रोड को छोड़ने के बाद दोस्तों कुछ दूर आगे आएंगे तो इस टाइप से फिर आपको लेफ्ट साइड एक छोटा सा रास्ता मिलेगा जो कि जंगल की ओर जाता है। ये देखिए, इस रास्ता को ले लेंगे, यह आपको सीधे ले जाएगा बिल द्वार। अब बिल द्वार के बेहद नज़दीक पहुंच गए हैं हम लोग दोस्तों, देख सकते हैं इस टाइप से छोटा छोटा सीढ़ी बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इसको, क्योंकि जब से यह टूटा है इसमें आदमी लोग का डेथ हुआ, इसके बाद आना जाना बहुत ही कम हो रहा है। टाइप से बना दिया गया है यहाँ प्रतीक्षालय टाइप से, आप आएंगे तो यहाँ आराम कर सकते हैं। और उधर जो जंगल टाइप से दिख रहा है वही बिलदुरा का गुफा का शुरुआती आना चाहिए है, गुफा का शुरुआती क्षेत्र। और ये ऊपर बनाया गया है, आप वहाँ चढ़ करके अगल बगल का नज़ारा का आनंद ले सकते हैं। चलिए चलते हैं एक बार ऊपर। ऊपर चढ़ने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कहना चाहिए बिल द्वार में, जो कि आपका सूरजपुर जिला के अंतर्गत आता है। यह केरता शक्कर फैक्ट्री के थोड़ा सा आगे आप लोग को मिलेगा, ये खड़गावा नाम का गांव है। वहीं से आप लोग को थोड़ा सा घूसना पड़ेगा पूर्व दिशा की ओर, कच्ची रोड है, उसी में आगे आइएगा तो थोड़ा सा ही दूर, ज़्यादा दूर नहीं, ये बिल द्वार का गुफा है। चलिए दिखाते हैं, एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। वहीं है एक विशेष गुफा और सामने दिख रहा है आप लोग को थोड़ा थोड़ा, ये बहुत दूर तक जाता है दोस्तों, लगभग यह कहना चाहिए आधा किलोमीटर दूर जाके फिर, और इधर जो पत्थर दिख रहा है उसके उस बाद दूरा है, उसी में से वापस होता है यह बिल दूरा। इस टाइप से यह पूरा जंगल के बीचों बीच में है, ये चट्टान देख सकते हैं इस टाइप से पूरा, और बहुत ही डरावना गुफा है। हम लोग घुसने का कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं घुसेंगे, कहे कि बहुत डर लगता है, अंधेरा है, टॉर्च वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पूजा वूजा भी होता है, ये देखिए शायद यहाँ बलि भी दिया जाता है बकरे का। इस टाइप से यह पूरा बिल दूरा का गुफा है। चलिए सामने से दिखा रहा हूँ आप लोग को, अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए। ये देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अपने पास टॉर्च वगैरह कुछ नहीं है, देख सकते हैं इसमें से होकर के ऐसे जब पानी निकल रहा है। इस टाइप के गुफा में पहली बार आया हूँ दोस्तों,
बहुत ही मजा आ जा रहा है। चलिए इधर से घूमते हैं उधर, आप लोग को एक बार दिखा दे रहे हैं किस टाइप से है। इधर से एक बार देख लीजिए नजारा, इस टाइप से गुफा, और गुफा के जस्ट बगल में सामने आप गेट बनाया हुआ 3 फुट दिख रहा है, उसी में घुसते हैं। और यह देखिए दोस्तों, यह कोयला है जो कि जमीन के नीचे दबा हुआ रहता है, जिसको कोल माइंस के द्वारा खुदाई करके निकाला जाता है। देख सकते हैं किस टाइप से यह परत टाइप से है, हल्का हल्का दिख रहा होगा आप लोग को, अंदर खोदने के बाद और बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है ये सब। सामने दिख रहा है दोस्तों आप लोग को, यह घुसने का कहना चाहिए गेट है 3 ठो, 1, 2 और 3, इसी के माध्यम से अंदर जाते हैं और उधर जो दिखाया फर्स्ट में उधर से वापस आते हैं। चलिए इसको भी करीब से दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस टाइप से बिल द्वार का गुफा है, अंदर बहुत ही शानदार बढ़िया देखने लायक है, बट अंधेरा है इसलिए नहीं जाएंगे हम लोग, फिर कभी आएंगे तो अपना जो भी सर सामान है सब लेके आएंगे तो ठीक रहेगा अंदर जाने में। देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ गुफा, इस टाइप से पूरा यह बिल द्वार का गुफा है, सामने से ऐसे दिखाई देता है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।